अभी हम कर रहे हैं थ्योरम 8.5, इसमें है इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अपने पास जो क्वाड्रिलेटरल है उसका अपोजिट एंगल्स का ईच पेयर इक्वल है और हमने उसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तब वो पैरेललोग्राम बनेगा। तो गिवन के अकॉर्डिंग ए एंगल सी के इक्वल है, बी एंगल डी के इक्वल है, तब हमने इसमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है या ये बोलना कि अपोजिट साइड्स का जो पेयर है वो पैरेलल प्रूव करने। गिवन है इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंगल ए इक्वल दे रखा है एंगल सी के और एंगल बी इक्वल है एंगल डी के। इसमें जो प्रूव करना हमने एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, प्रूफ जब हमने दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है, जैसे इसको एबी और सीडी को अगर पैरेलल प्रूव करना है तो इनको जो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है के या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होने चाहिए या कोरस्पोंडिंग या सेम साइडेड एंगल्स का सम 180। तो यहां से अगर एबी और सीडी को हम पैरेलल प्रूव करें तो इन दोनों एंगल्स का सम अगर 180 प्रूव कर दें तो ये को इंटीरियर एंगल बोले जा सकते हैं या एक ही लाइन पे एडजेसेंट एंगल्स भी बोल सकते हैं इनको। अगर इनका सम 180 प्रूव हो रहा है तो एबी सीडी के पैरेलल बोली जा सकती है। तो इसका मतलब यहां इन एंगल्स का सम हम 180 प्रूव करवा देते हैं और 180 सम प्रूव हो गया तो एबीसीडी के पैरेलल बोला जाएगा। इसी वजह से अगर इन दोनों एंगल्स का सम डी और सी का सम अगर 180 प्रूव हो जाए तो एडी और बीसी पैरेलल बोली जा सकती है। तो प्रूफ में इन दोनों एंगल्स का सम हम 180 प्रूव करवाएं ए और डी का, और क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स का सम 360 होता है, ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में टू ट्रायंगल्स होते हैं और इस ट्रायंगल में 180, इसलिए पूरे क्वाड्रिलेटरल में 360। तो इन सब का सम क्या हो गया 360। अब हमने जो रिजल्ट है वो ए और डी में आना चाहिए अपने पास, क्योंकि अभी हमने कहा कि हम ए और डी का सम अगर 180 प्रूव करवा देते हैं तो ए बी सी डी के पैरेलल। तो जो रिजल्ट है ए और डी में कन्वर्ट करवाएं, एंगल ए बी रिजल्ट नहीं होना चाहिए, तो बी जिसके इक्वल दिया है उसकी जगह वो एंगल यूज कर लें, बी डी के इक्वल दिया है तो बी की जगह डी लिख लें। और हमने कहा कि इन दोनों का सम यूज करेंगे तो सी एंगल भी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा तो सी जिसके इक्वल दिया है वो यूज कर लें, सी के इक्वल ए है और डी इज इक्वल टू 360। यानी जो चेंजेस हमने किए हैं वो एक दूसरे के इक्वल थे इसलिए उनको चेंज कर दिया, हमने बी की जगह लिखा है एंगल डी और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों इक्वल थे, और हमने सी की जगह लिखा है ए क्योंकि ये दोनों गिवन के अकॉर्डिंग इक्वल थे इसलिए ऐसा चेंज हमने किया। अब यहां से लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें तो एंगल ए टू टाइम्स एड होके डबल हो जाएगा, एंगल डी टू टाइम्स और एड होके ये भी डबल हो जाएगा और ये वैल्यू फिर 360 के इक्वल। बोथ साइड टू से डिवाइड करके दिखाएं तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल आ जाएगा, ये टू से डिवाइड होके 180। तो इसका मतलब ए और डी का सम 180 प्रूव हो गया, तो ये ए बी और सी डी यहां से पैरेलल हो जाएंगे, ए एंड डी आर को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, सो ए बी पैरेलल सी डी, ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूव कर दिया। यहां से अगर इन दोनों का सम 180 बनता है तो ए बी और सी डी पैरेलल होते हैं, और अगर डी और सी का सम 180 प्रूव हो जाए तो ए डी और बी सी को पैरेलल बोला जा सकता है, इन दोनों का सम 180 प्रूव करें। तो इसी रिजल्ट को हम यूज कर लेंगे दोबारा से, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। अब की बार रिजल्ट डी और सी में आने चाहिए,
इसका मतलब ए और बी को हटाना हमने, तो ए किसके इक्वल था सी के, और बी को भी हटाना है तो बी किसके इक्वल था डी के। फिर से पहले वाले पार्ट की तरह ही सी टू टाइम्स एड होके डबल हो जाएगा, डी टू टाइम्स एड होके डबल हो जाएगा, और फिर बोथ साइड अगर टू से डिवाइड करेंगे तो सी प्लस डी कितना हो जाएगा 180, और सी और डी का सम 180 है और ये को इंटीरियर एंगल्स है तो इसका मतलब एडी पैरेलल होनी चाहिए, एडी पैरेलल होनी चाहिए किसके बीसी के, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 प्रूव हो रहा है इसलिए। तो एक पार्ट इससे पहले किया था हमने, उसको वन नाम देते हैं, एक दूसरे को सेकेंड, जहां एबी और सीडी को पैरेलल प्रूव कर रहे हैं उसको वन, और एडी और बीसी को पैरेलल प्रूव कर रहे हैं उसको टू, इस पेयर को पैरेलल प्रूव किया उसको वन, और इसको पैरेलल प्रूव किया उसको टू। तो एडी और बीसी भी पैरेलल है और एबी और सीडी भी पैरेलल है, तो अपोजिट पेयर दोनों पेयर, इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट दोनों पेयर पैरेलल है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल हैं, तो इसको हम पैरेललोग्राम बोल लेंगे।